दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इरेडा के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था दोस्तों कि मंडे को एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और देखा जाए दोस्तों, स्टॉक 11% की तेजी के साथ हमें ओपन होता हुआ देखने को मिला था, बट तेजी टिकी नहीं। इसके पीछे वजह है जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज देखो, जब ये गिरा था 120 रुपए आया था, 120 के आसपास दिखा था एंड यहाँ से भी रिवर्सल किया, तो कई लोगों के मेरे पास कमेंट देखने को मिले कि भाई बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या करें। देखो हर एक लेवल पे मैंने एक तो आपको डिफरेंट बाई की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताई थी कि भाई आप गिरावट में बाई कर सकते हो। दूसरी चीज, जो लोग खरीद रखे हैं उनको मैंने एवरेज के लिए भी बोला था, तो जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है मैंने इरेडा के बारे में आपको कब क्या चीजें बताई थी। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम इरेडा की सिचुएशन ये बन रही है, जो तेजी है ये दोस्तों ये रिजल्ट बेसिस तेजी आपको भी पता है, एंड ये रिजल्ट बेसिस तेजी दोस्तों 1 या 2 दिन यहाँ पे रहेगी। इसके बाद जो फाइनेंस कहेगा, वही आगे स्टॉक बोलेगा। तो अभी के टाइम देखो फाइनेंस अच्छा है, एंड यहाँ से दोस्तों हमें देखना है इलेक्शन का टाइम। देखो इलेक्शन से पहले अगर पीएस स्टॉक को आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि ये अकेला भागेगा, देखो ये वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर ये करेगा थोड़ा कंसोलिडेट। अब जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा फिर से एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। देखो अगर आज यहाँ से दोस्तों एक बड़ी वॉल्यूम आती 10 करोड़ के आसपास, 12 करोड़ के आसपास, तो हम ये कह सकते थे कि दोस्तों रैली आ सकती है, बट नॉर्मल वॉल्यूम हमें आज देखने को मिली है, जो मान सकते हैं कि 6-7 10-11% की तेजी आती है उसमें इतनी नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखो 5 करोड़ 77 लाख की टोटल वॉल्यूम थी। इस वॉल्यूम के अंदर अगर हम देखें डिलीवरी स्टॉक की, तो 37% तक का माल यहाँ से आज खरीदा गया। अब इससे तेजी क्यों आई? देखो रिजल्ट बेसिस तेजी का मतलब ये है कि जो लोग पहले खरीद रखे हैं या तो उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, रिजल्ट को देख के नए बायर यहाँ पे एंटर हुए। दूसरी चीज, यहाँ पे एफआई का भी थोड़ा सा आकर्षण रहा होगा, क्योंकि भाई रिजल्ट अगर अच्छा रहा है तो आगे जाके स्टॉक को जाना तो ऊपर ही है। अब मेन चीज है कि इस तेजी का जो टारगेट है वो क्या रहेगा? क्या इलेक्शन के बाद 250 जाएगा या 300 जाएगा, या यहाँ से कंसोलिडेट करता ही रह जाएगा? तो एग्जैक्टली कितना जा सकता है वो हम अभी के टाइम आपको बताएंगे। देखो रिजल्ट को हम बोल रहे थे कि भाई रिजल्ट अच्छा ही आएगा, जैसा कि कंपनी ने लोन सेंक्शन किया, अपना बताया डाटा कि हम ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अनुमान लगाए एंड अपने अनुमान एकदम सही निकले। यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा रिजल्ट दिया। अब रिजल्ट के बाद दोस्तों जैसा क्या बेटा, देखो कि आज रिजल्ट का फर्स्ट डे एंड यहाँ पे स्टॉक ने तेजी क्रिएट करी है 7% के आसपास की। मेन चीज दोस्तों मैंने बता दिया आपको, जैसा कि डिलीवरी स्टॉक ने देख लिया आपने, बायर अभी के टाइम 27 लाख है एंड सेलर अभी के टाइम 1 करोड़ 17 लाख है। मेन चीज यहाँ पे दोस्तों क्या है, जैसा कि आप इंट्राडे चार्ट में देखोगे, ओपन स्टॉक दोस्तों 11% 12% की तेजी पे होता है, लगातार हमें प्रॉफिट उठी हुई नजर आ सकती है, नजर आती है। इसके बाद स्टॉक डाउन आता है, जो 11% की तेजी थी वो 7% की तेजी रह जाती है, और देखा जाए तो 4% की तेजी है वो यहाँ पे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। बट अभी ये टाइम देखो इस चीज का आपको फायदा उठाना, अगर यहाँ से रिजल्ट अच्छा आ चुका है, इसके बावजूद भी अगर कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है, तो समझ लेना कि बड़े प्लेयर्स वापस से खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया। डिलीवरी देख लो 11-12, सॉरी जो यहाँ पे 5-7 करोड़ की वॉल्यूम आई उसमें 36% की डिलीवरी का मतलब है कम से कम दोस्तों यहाँ पे 2.5 करोड़ शेयरों की डिलीवरी, 2.5 करोड़ शेयर, 2.5 करोड़ शेयरों की डिलीवरी। अगर 2 करोड़ भी शेयर डिलीवर होते हैं तो आप मान लीजिए 180 पे ट्रेड, 170 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, 170 × 2 यहाँ से आप मान के चलो 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है यहाँ से, 200 क्या 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम नहीं है दोस्तों। अभी के टाइम खरीदारी हो रही है एंड इरेडा की वैल्यूएशन हाई है। रिजल्ट ने दोस्तों वैल्यूएशन स्टॉक की फिर से ऊपर बढ़ा दी है। मैंने कल आपको सारी चीजें बैलेंस शीट वगैरह सब चीजें आपको समझाई थी। एंड दोस्तों देखो इलेक्शन का जब टाइम आएगा ना, ये जब भागेगा ना तो कंटिन्यू भागेगा यहाँ से, ऐसा नहीं कि आज भागा कल गिर गया, ऐसा होने वाला नहीं है। एंड जो आज आपको देखो 11% की जो तेजी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग निकल चुके हैं, अभी जो बाएंगे ना वो नए सिरे से दिखेगी। एंड यहाँ से दोस्तों ऊपर जाने के पूरे चांसेस अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस टिकाऊ तेजी के पीछे एक तो वजह है मार्केट। देख लो मार्केट में दोस्तों 192 पॉइंट की यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमें नजर आ रही है, एंड मार्केट ऑल राउंड दोस्तों 87 पॉइंट अभी के टाइम, सॉरी 80.487% अभी के टाइम अपसाइड। यहाँ पे आज एनर्जी सेक्टर में आप देख लीजिए दोस्तों, कंटिन्यू यहाँ पे तेजी हो रहा है, 235 पॉइंट की जो तेजी हो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। पावर शेयरों की बात करें यहाँ पे, तो जो शेयर अच्छे हैं फाइनेंशियली अच्छे हैं उन सब में हमें बाउंस नजर आ रहा है। इसी के साथ इरेडा में देखो फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा है, इरेडा की जो ये तेजी है रिजल्ट बेसिस तेजी है, यहाँ पे 170 अभी के टाइम ट्रेड ये कर रहा है। एंड जो चार्ट है उनको एक बार आप समझो, चार्ट का संकेत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट है ना वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। देखो 61 का करंटली आरएसआई चल रहा है, अगर यहाँ से भी और आगे बाउंस करता है आरएसआई 70+ जा सकता है, बट जो मेन लेवल है ना दोस्तों वो रहेगा हमारे लिए 185। अगर ये लेवल ये तोड़ देता है, ठीक है ना, ये लेवल यहाँ से टूट जाता है, तो फिर हमें कंटिन्यू तेजी देखने को मिलेगी। एंड स्टॉक दोस्तों एक नया हाई जो कि
200 जो 15 रुपए का हाई लगा था उससे प्लस हमें हाई देखने को मिलेगा। तो चांस है कि दोस्तों ये लेवल यहाँ से टूटे, बट अभी के टाइम क्या लेवल टूटने के संकेत है। देखो पिछली बार जब गेन किया था स्टॉक ने यहाँ से दोस्तों, तो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम थी, यहाँ पे देख लीजिए वॉल्यूम थी, बट अभी के टाइम देखो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इतनी नहीं है। यहाँ से तो चलो गेन किया है, वॉल्यूम भी आई है ठीक ठाक, बट अभी के टाइम देखो वॉल्यूम आने चाहिए कम से कम 7-8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ तक की वॉल्यूम यहाँ पे हो, तब जाके बाउंस ही करेगा। और देखा जाए अभी के टाइम देखो ट्रेड कर रहा है 70 के आसपास, 170 के आसपास ब्रेकआउट 185 पे, तो 15 रुपए प्लस अभी यहाँ से जाता है तो फिर ब्रेकआउट देगा। बट चार्ट का संकेत क्या कह रहा है वो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों। देखो चार्ट में पहले यहाँ से बाउंस आया, फिर गिरा, यहाँ से बाउंस आया, अगर यहाँ से गिरता है तो अगेन हमें 150 ही नजर आ सकता है ठीक है ना, प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो। अगर नहीं आती, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता है तो फिर ब्रेकआउट ही देगा एंड फिर हमें एक नया हाई देखिए। और देखा जाए आप इलेक्शन तक वेट कर लीजिए, इलेक्शन तक यहाँ से इजिली स्टॉक 270 तक के टारगेट यहाँ पे कवर कर लेगा, फाइनेंशियली अच्छा है तो बने रहिए। एंड जो निवेशर है आज IRFC के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जबकि अगर मार्केट में देखे दोस्तों तो मार्केट में की देखो मार्केट के साथ साथ स्टॉक ने भी गेन किया है। देखो आपको मैं पहले ही बता रहा था अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली आपका IRFC डाउन तो नहीं जाएगा ठीक है ना। अभी के टाइम देखो सपोर्ट लेवल एक क्रिएट कर चुका है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो जल्दी हमें Q4 के आंकड़े भी दिख जाएंगे एंड यहाँ से देखो इलेक्शन का भी टाइम नजदीक आ रहा है, तो टोटल इलेक्शन का व्यू है। एंड यहाँ पे देखो इलेक्शन का टाइम में क्या होता है कि तो PS स्टॉक जो की एक अच्छी रैली में गए उनसे प्रेशर दिखता है जो की हमने देखा भी है। एंड करंटली देखो एक ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब ही ट्रेड कर रहा है जो की 150 रुपए का ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद हमें दोस्तों 160-165 तक एक कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम देखो ब्रेकआउट को ही यहाँ पे एक मतलब सस्टेंस नहीं कर पा रहा, ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है। डाटा अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी के टाइम डेफिनेटली हम बेच रहे हैं, रिटेल प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होगा, बेच रहा होगा यहाँ से लॉस में भी, बट उसका माल खरीदा जा रहा है। और देखा जाए दोस्तों हमने जो Q4 के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे उसमें पहले EFI एंड DI दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, बट अगर देखे ना तो जब 120 रुपए 17 रुपए पे गया था तब बड़े प्लेयर्स ने ही खरीदा था, क्योंकि एक बार किसी भी बड़े स्टॉक में जिसने एक साल के अंदर 400% तक के रिटर्न दिए हो, अगर वो एक बार उल्टा पड़ता है ठीक है ना, नीचे आता है, गिरावट करना स्टार्ट कर देता तो भाई रिटेल तो उसमें रिटेल को तो पसी आ जाता है, रिटेल तो प्रॉफिट में वो यहाँ पे चाहे लॉस में वो रिटेल तो बाहर निकलेगा। एंड रिटेल अगर बेचेगा उसमें फिर चाहिए उसको ऊपर लाने के लिए चाहिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही आएगा। तो नीचे से स्टॉक उठाया गया, खरीदा गया, तब जाके ये बाउंस हमें देखने को मिला एंड बॉटम पे हमें सब वैल्यू बाइंग आती है जो कि हमें नजर आई है। एंड अभी के टाइम देखो वॉल्यूम कुछ संकेत कर रही है कि दोस्तों स्टॉक कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, 2 करोड़ 35 लाख के अभी के टाइम वॉल्यूम है जो कि बहुत डाउन है। जब ये रैली दिखाता है ये वॉल्यूम दोस्तों 10-12 करोड़ तक प्लस मतलब इसके भी ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से देखो मेन वॉल्यूम का ही गेम है, बायर्स का गेम है, तो बायर अभी के टाइम है नहीं, इसलिए मैं नॉर्मली इसको कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये बायर आएंगे कब, ये बायर आएंगे दोस्तों फली चीज के अभी के टाइम ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेट फेज में है। अब जैसे ही कंसोलिडेट फेज से निकलेगा उसके बाद हमें बाइंग दिखेगी एंड बाइंग कब आएगी, तो बाइंग आएगी रिजल्ट के बाद। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं इलेक्शन यहाँ से जो इस मार्केट को चाहिए वैसा इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो फिर यहाँ से हमें दोस्तों खासकर जो गवर्नमेंट वाले स्टॉक है वो रॉकेट बनते हुए देखने को मिलेंगे। आपका IRFC दोस्तों यहाँ से इजिली आने वाले जो जैसे बता दूँ 6 महीने के अंदर 300-350 तक के टारगेट इजिली ये दिखा सकता है। जैसा कि अगर पिछले हम 6 महीने का व्यू देखे ना स्टॉक का जो रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं कंसोलिडेट करके तेजी फिर कंसोलिडेट करके तेजी, तो उस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। मेन चीज दोस्तों कंटिन्यू माल खरीदा जा रहा है, ऑलराउंड आज देखा जाए 38% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है, ऑलराउंड 1 करोड़ शेयर आज फिर यहाँ पे खरीदे गए जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप मान लीजिए 1 करोड़ 40 लाख सॉरी 140 करोड़ के आसपास की टोटल इन्वेस्टमेंट आज हमें देखने को मिली है। तो डाटा दोस्तों जबरदस्त है, कंटिन्यू यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है एंड बड़े प्लेयर्स के द्वारा माल खरीदा जा रहा है एंड रिटेल को बार बार पैनिक किया जा रहा है। रिटेल को तो आप समझ सकते हैं जब ये 200 पर गया सॉरी 190 पे गया था वहां से बिकवाली हुई, कंटिन्यू स्टॉक गिरा एंड कंटिन्यू गिर के स्टॉक 120 रुपए के भी नीचे देखने को मिला। अब वहां पे देखो कितने ऐसे रिटेलर्स हो गए जिन्होंने सेल कर दिया पैनिक होके। तो ये चीजें हैं अभी के टाइम। देखो रिजल्ट डेट की मैं बात करूँ कि रिजल्ट कब आएगा, क्या कंपनी ने कोई डेट यहाँ पे फिक्स करी है अनाउंसमेंट करी है, तो अभी तक डेट आई नहीं है। Q3 की डेट जो की यहाँ पे पुरानी है जो की Q4 की रिजल्ट डेट आई नहीं है, तो रिजल्ट डेट आती है मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। तो देखो मेरा IRFC के अंदर अभी के टाइम यही व्यू है कि आप इसको इलेक्शन जितना टाइम दे दो, आप इसको जो ये कर रहा है कंसोलिडेट कर रहा है इसको करने दो,
अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहो तो 135 रुपए एंड जो 150 है इसके बीच में, 140 के नीचे अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना यहाँ से आपको रखना है, आपको इलेक्शन तक तो इसको टाइम देना ही देना है। इलेक्शन में चीजें सही रही तो फिर आपको ये मौका देगा ही नहीं, ये डेफिनेटली यहाँ पे एक ताबड़तोड़ जो तेजी वो हमें यहाँ पे कंटिन्यू नजर आएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब ये भागता है तो 15% 15-18% तक ये बाउंस हमें दिखाता है। तो दोस्तों अभी के टाइम उन लोगों के लिए मौका है जो इलेक्शन से पहले एक अच्छा स्टॉक करना चाहते हैं, खासकर रेलवे का, तो IRFC, आयरवेल, इरकॉन, ये समझाए आपको कि अभी के टाइम कंसोलिडेट वाले चार्ट पे बन रहे हैं, रिटेल को टोटली पैनिक किया जा रहा है। ये फेज होता है स्टॉक का, एक फेज होता है जो कि आता है तेजी के बाद, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अगर देखें हम तो 51 का RSI चल रहा है एंड कंसोलिडेटली जो चार्ट पैटर्न वो बन रहे हैं। इसके पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट दिखा, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेट, फिर तेजी, फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रही है कि भाई देखो ये स्टॉक ऑलराउंड अभी के टाइम देखें हम 135 एंड 150 इन दो लेवल्स के बीच अभी के टाइम हमें ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों, ना तो ये लेवल यहाँ से टूटा था, ऊपर आ गया, अगले ही दिन इंट्राडे में टूटा, उसके दिन अगले यहाँ पे देख लो अब ये ब्रेकआउट मिला, उसके बाद एक बड़े प्रॉफिट बुकिंग आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद देख लो कंटिन्यू यहाँ पे हमें कंसोलिडेट दिख रहा है। तो दोस्तों ध्यान रहे 150 का ब्रेकआउट ये लेवल टूटता है तो फिर हमें एक अच्छी 165-170 के आसपास तक की तेजी नजर आ सकती है। एंड कम से कम रिजल्ट तक तो स्टॉक को आप टाइम दो, जो ये कंसोलिडेट वाला फेज ये जल्दी ही खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले 2-3 महीने से तो कंटिन्यू कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे हिस्ट्री उठा के देखे तो 3 या 3.5 महीने इस तरह स्टॉक ने कंसोलिडेट नहीं किया है। तो यहाँ से दोस्तों को टाइम कंसोलिडेट वाला खत्म होने वाला, फिर से हमें एक बड़ा जो धमाका है वो देखने को मिल सकता है।